सरसी साहब, एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, अगर आप पंजाब में पेनिट्रेशन चाहते हैं तो पीपल्स पार्टी को परफॉर्म करना होगा, और ख़ासूसन अगर बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों की बात करें तो नौजवानों को ख़ुद वोट पड़े, ऐसे काम करने होंगे। आप समझती हैं कि कहीं ना कहीं आपकी पार्टी लैग कर रही है, ख़ासूसन पंजाब में? आप थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा, क्योंकि मैंने दोनों भाइयों को जी सुना जी है, उन्होंने वजह उनके पास, वी एग्री टू डिसएग्री, उनके पास हर वजह होगी अपनी बात रखने की। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, पॉलिसी है और एफर्ट्स है पाकिस्तान को बचाने की, इस्तकाम के लिए आइन से लेकर अभी भी जो भी चीजें जिस पर पाकिस्तान इस वक्त जो मजबूत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं उसकी शुरुआत किसी तरीके से डायरेक्टली पीपल्स पार्टी के जो है बैकग्राउंड से मिलते जुलते हैं, उनके जो है मैनिफेस्टो से, उनकी पॉलिसी से, उनकी कुर्बानियों से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान हैं और जरूर उनको चाहिए, वो न सिर्फ नौजवानों की बात करते हैं, वो खवातीन की बात करते हैं, वो आम पाकिस्तानी किसी भी एज का हो उनके भी रोजी रोटी के लिए बात करते हैं। बस बहसियत वजीर खारजा मेरे ख्याल में कम अरसे में जहाँ पीटीआई का आइसोलेशन में पाकिस्तान को छोड़ के गई थी, खास करके बैन अल-अक़वामी तौर पर, तो वहाँ हर उस मॉनिटरी फोरम हो या यूनाइटेड नेशंस के जो दूसरे फोरम हो या दूसरे मुख्तलिफ, उसमें न सिर्फ उन्होंने जबरदस्त किस्म की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान का पर जो ठप्पे हैं लगे हुए जनता पसंद है ये है वो है, उसमें न सिर्फ निकालने की भरपूर कोशिश की महदूद वक्त में, लेकिन सैलाब से डूबा हुआ चंद और दूसरे इलाके थे उनको रिलीफ रिहेबिलिटेशन उसके लिए जो उन्होंने काविश की, हालांकि वफाक से इतनी जो है वो मदद भी नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं है। छोटे सूबे अपने आप को महरूम बिल्कुल समझते हैं, हम समझते हैं कि डोमिसाइल सिर्फ पंजाब का हो तो चीजें होंगी, नहीं, यहाँ पाकिस्तान की आबादी वो खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध, ये सारे लोग मिलकर बनाते हैं। अगर आप पंजाब से नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आपको सियासत में जो है मैदान उस तरह नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि जो भी अनासर है, जो भी रेलिवेंट जो है स्टेक होल्डर्स है, दे मस्ट रियलाइज दैट, और उस हवाले से अगर किसी छोटे सूबे से भी कोई है उसकी कुर्बानी, उसकी एफर्ट, उसकी जदोजहद पाकिस्तान की सालमियत के लिए, उसकी जो है मुसलसल जो है हर हवाले से उसमें पुरस्कार से गुजर कर भी खड़े रहना, मेरे ख्याल में है बिलावल साहब, वही बात।